दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तो वहीं गुजरात में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर गुरुवार को जीत की बधाई दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव और हिमाचल प्रदेश के नतीजों को लेकर ट्वीट किया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि लोकसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव की भारी जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी बधाई एवं शुभकामनाएं। नीतीश ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा आम चुनाव में बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मैनपुरी पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज साक्य को करीब 2,88,016 मतों से हराया है। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को 6,18,120 मत प्राप्त हुए, जबकि रघुराज साक्य को 3,29,659 वोट मिले। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस की लंबे अरसे के बाद पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी हुई है। इससे पहले कांग्रेस ने साल 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की सत्ता उनकी हाथ से चली गई और मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सरकार की वापसी हो गई। Oh, 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 oh